सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में परिवर्तन निदेशालय ने तलब किया है, उनसे वही सवाल पूछे जाएंगे जो राहुल गांधी से उनके 5 दिनों के पूछताछ के दौरान पूछे गए थे। ईडी के सूत्रों ने यह जानकारी दी। ईडी ने सोनिया गांधी को जुलाई के मध्य में जांच में शामिल होने के लिए कहा है। उससे पहले 23 जून को पूछताछ की जानी थी, जिसको स्वास्थ्य आधार पर स्थगित कर दिया था। सूत्रों ने कहा, हम यंग इंडिया एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के बीच सौदे में उनकी भूमिका के बारे में पूछना है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि स्वर्गीय मोतीलाल इन मामलों को देख रहे थे। वोरा की यंग इंडिया में 12% हिस्सेदारी थी, जबकि राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास 76% हिस्सेदारी थी। ईडी के अनुसार पूरे सौदे में गांधी परिवार प्रमुख लाभार्थी थे। अधिकारियों के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांधी परिवार से पूछताछ ईडी की जांच का हिस्सा है, ताकि यंग इंडियन एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के हिस्सेदारी पैटर्न वित्तीय लेन देन प्रवक्ताओं की भूमिका को समझा जा सके। यंग इंडिया के प्रवक्ता शेयर धारकों में सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कुछ अन्य नेता शामिल है। गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल फरवरी में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सोनिया राहुल को नोटिस जारी किया था। याचिका में निचली अदालत में इस मामले में सबूत पेश करने का अनुरोध किया गया। सोनिया राहुल ने 2015 में अलग अलग 50,000 रुपए के निजी मुचल के इतनी ही जमानत राशि अदा करने के बाद अदालत में जमानत हासिल की थी। हालांकि उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी कि स्वामी की याचिका गलत तथ्यों पर आधारित है, समय से पहले दायर की गई है।